करती सबका कल्याण। करे प्रशंसा सभी देवता, ऋषि मुनि करे माँ का लक्ष्मी की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। माता लक्ष्मी की कथा जो सुनते हैं या सुनाते हैं, माँ उनके जीवन को खुशियों से भर देती हैं। लक्ष्मी माँ का नाम नारायण के साथ जुड़ा होने के कारण विष्णु हरि और माँ लक्ष्मी का नाम लेने से लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा प्राप्त होती है। आइए प्रारंभ करें इस कथा को। बोलो माँ लक्ष्मी की जय। सुनो कथा श्री लक्ष्मी माँ की, करती माँ सबका कल्याण। करे प्रशंसा सभी देवता, ऋषि मुनि करे माँ का ध्यान। माँ की सेवा भक्ति से ही प्रसन्न हुए विष्णु भगवान। जिस घर में हो माँ की कृपा, वो घर भक्तों बड़ा महान। माँ लक्ष्मी करती कल्याण, लक्ष्मी माँ का करो ध्यान। जय जय माँ लक्ष्मी माँ, जय जय माँ प्यारी लक्ष्मी माँ, जय जय माँ लक्ष्मी माँ, जय जय माँ प्यारी लक्ष्मी माँ। भक्तों, माता लक्ष्मी उसी जगह पर प्रवेश या निवास करती हैं जहाँ चारों तरफ स्वच्छ, साफ और निर्मल वातावरण हो, क्योंकि धन लक्ष्मी वहीं अपनी कृपा बरसाती हैं जिसका हृदय स्वच्छ और कोई खोट ना हो, उसका ध्यान माँ भगवती हमेशा रखती हैं। जो घर शुद्ध साफ रहते हैं, लक्ष्मी माता करे निवास। माँ को पूजे माँ के नियम से, करे जो माता पे विश्वास। खुशियों से भरपूर दिवाली, खुशहाली घर घर में छाए। धन वर्षा वहाँ करे लक्ष्मी, जो श्रद्धा से दीप जलाए। माँ लक्ष्मी करती कल्याण, लक्ष्मी माँ का करो ध्यान। किस्सा सुनाते हैं जो लक्ष्मी माँ का परम भक्त था। अपनी गद्दी पर माँ लक्ष्मी का भवन बनाकर नित नियम भाव से
माँ का ध्यान करता था। उसकी श्रद्धा और भक्ति से माँ प्रसन्न होकर उसके घर में निवास करती हैं। इस कारण उसे धन की कमी नहीं थी। व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। सेठ के चार पुत्र और चार बहुएं थी। आगे सुने। इतनी दौलत दी माता ने, सेठ जी खर्च नहीं कर पाए। चारों बहुएं चारों बेटे जीवन अपना सुखी बिताए। धन की तिजोरी भरी देख कर सेठ जी भारी खुशी मना। लक्ष्मी जी का करे जागरण, भंडारा वो खूब कराए। माँ लक्ष्मी करती कल्याण, लक्ष्मी माँ का करो ध्यान। लक्ष्मी माँ को सेठ के यहाँ रहते काफी समय बीत गया। तब उन्हें अपने पति परमेश्वर श्री विष्णु भगवान की याद सताने लगी। तब माता ने सोचा, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। यह बात सेठ को बताने के लिए माँ सेठ के सपने में आई और उससे अपने मन की बात कही। सपने में फिर आई माता, सोए सेठ को दिया जगा। उठो सेठ अब नींद से जागो, एक बात हम तुम्हें बताएं। समय यहाँ पर बहुत हुआ, अब अपने धाम को वापस जाए। लक्ष्मी माँ की बात सुनी तो सेठ के मन छाए। माँ लक्ष्मी करती कल्याण, लक्ष्मी माँ का करो ध्यान। जो चाहो ले लो वरदान, इतना धन दे दूंगी तुझको, जीवन भर पाए आराम। सेठ कहे मेरी बहू चार है, उनसे पूछ के तुम्हें बताए। कल सपने में आना मैया, तुमको सारा सुनाए। माँ लक्ष्मी करती कल्याण, लक्ष्मी माँ का करो ध्यान। लक्ष्मी जी ने सेठ से कहा, तुम्हें इतना धन दे दूंगी, तेरी सारी पीढ़ियां आराम पाएंगी, मुझे अब जाने दो। सेठ ने कहा, मेरी चार बहुएं हैं, मैं कल उनसे पूछकर बताऊंगा कि मैं तुमसे क्या वरदान मांगूं। माँ ने कहा, ठीक है, मैं कल फिर तेरे पास आऊंगी। सेठ ने चारों बहुएं बुलाई, माँ की बातें उन्हें बताएं।
लक्ष्मी माँ का करो ध्यान। अपने ससुर से वो फरमाए, माँ लक्ष्मी करती कल्याण, लक्ष्मी माँ का करो ध्यान। बहुओं ने माल खजाना कोठी अन्न के भंडार महल अटारी मांगी, मगर चौथी बहू विद्वान थी। उसने कहा, ससुर जी, आप माँ लक्ष्मी जी से कहना हमारे कुटुंब परिवार में प्रेम बना रहे, कभी कोई क्लेश ना हो और विष्णु जी सदा हमारे घर में रहे, गणेश जी की कृपा हमेशा हमारे पर बनी रहे। सेठ के सपने में दूजे दिन लक्ष्मी माता दर्श दिखाए, छोटी बहू ने बात कही वो सेठ जी मैया जी को बताए, कथा भागवत घर में होवे गूंजे घर में हरि का नाम। छोटी बहू की बात सुनी तो माँ को हैरत हुई तमाम, माँ लक्ष्मी करती कल्याण, लक्ष्मी माँ का करो ध्यान। ध्यान।
जगते रहो तुम सुबह हो शाम। इनकी पूजा भक्ति से ही बन जाते हैं सारे काम। माँ लक्ष्मी करती कल्याण, लक्ष्मी माँ का करो ध्यान। लक्ष्मी जी की यूं तो तमाम लीलाएं हैं, संपूर्ण लीलाओं का कोई क्या बखान कर सकता है। आइए एक और लक्ष्मी जी का रोचक किस्सा आपको सुनाते हैं। एक समय विष्णु जी शेष शैया से खड़े हुए और लक्ष्मी जी से कहने लगे, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करने जा रहा हूँ। तभी लक्ष्मी जी कहने लगी, प्रभु मैं भी आपके साथ जाऊंगी। तब विष्णु जी बोले, ठीक है पर एक शर्त है। माँ बोली, क्या है प्रभु? सुनिए, पृथ्वी लोक का भ्रमण करने जाने लगे विष्णु भगवान, मैं भी चलूंगी साथ तुम्हारे, लक्ष्मी माता करे बखान। सुनो प्रिय एक शर्त हमारी, उसका रखना होगा ध्यान। उत्तर दिशा में नहीं देखना, कहने लगे विष्णु भगवान। माँ लक्ष्मी करती कल्याण, लक्ष्मी माँ का करो ध्यान। प्रभु के संग हो गई तैयार, पृथ्वी लोक पे आई माता, उत्तर दिशा में लिया निहार। हरे भरे उपवन को देखा, भटक गया माता का ध्यान। मैं भी बाग में घूम के आऊं, मचल गए अरमान। माँ लक्ष्मी करती कल्याण, लक्ष्मी माँ का करो ध्यान। लक्ष्मी उस बगीचे से एक सुंदर फूल तोड़कर लाई और वो फूल विष्णु जी को देने लगी। प्रभु ये मैं आपके लिए लाई हूँ। प्रभु बोले, क्या तुम ये फूल बगीचे के माली से पूछकर लाई हो? लक्ष्मी बोली, नहीं स्वामी। प्रभु बोले, तुमने यह अपराध किया है, इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तुम्हें माली के घर 3 बरस तक उसके घर नौकरी करके सेवा करनी होगी। वचन जो तोड़ा लक्ष्मी माने, विष्णु उनको सजा सुनाई। माली के घर करो नौकरी, 3 साल तक तुम्हें बताए। रहना होगा
तभी पाप से मुक्ति पाए। मान लिया आदेश प्रभु का, लक्ष्मी माली के घर जाए। माँ लक्ष्मी करती कल्याण, लक्ष्मी माँ का करो ध्यान। माता माली के घर आए दी, जब माली के घर दस्तक, माली देख चकित हो जाए। कौन बालिका कहाँ से आई, कौन गाँव की हमें बता। बिन माँ बाप की बेटी बाबा, मुझसे घर काम करा। माँ लक्ष्मी करती कल्याण, लक्ष्मी माँ का करो ध्यान। बाबा, मैं एक असहाय गरीब लड़की हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है, क्या मैं आपके यहाँ रह सकती हूँ? हाथ जोड़कर माली बोला, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे 5 बच्चे हैं, अगर तुम रूखा सूखा खा के गुजारा कर सकती हो तो मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह यहाँ रख सकता हूँ। भेस बदल कर लक्ष्मी माता कैसा कैसा खेल रचाए, माली के घर करे नौकरी, अपना सारा भेद छुपाए। रूखी सूखी रोटी खा कर घर का सारा काम कराए, माली उसको बेटी समझ कर बाप के जैसा फर्ज निभाए। माँ लक्ष्मी करती कल्याण, लक्ष्मी माँ का करो ध्यान। वो माली है बड़ा महान, तीनों लोक के सभी देवता करते हैं जिसका गुणगान। दुनिया को धन बांटने वाली माली का माने एहसान, प्राण जाए पर वचन न जाए, यही है विधान। माँ लक्ष्मी करती कल्याण, लक्ष्मी माँ का करो ध्यान।
घर का सारा काम कराए। साक्षात वो लक्ष्मी माता तेरे भाग्य जगाने आए। बच्चों के संग खेले माता लीला कोई समझ ना पाए। सृष्टि की जो करती रचना समय ने दासी दिया बनाए। माँ लक्ष्मी करती कल्याण, लक्ष्मी माँ का करो ध्यान। माली की तीन बेटियों के साथ बड़े प्रेम से माँ रहती। धीरे धीरे 3 बरस पूरे हुए तो माली बहुत बीमार हो गया। माँ को चिंता हुई और माँ ने बूटी घोंट कर माली को पिलाई। इधर घर की हालत बहुत खराब हो गई। माली ने माँ की सेवा देखकर कहा, बेटी तू लगती है मेरे पूर्व जन्म की बेटी होगी। मैं तो धन्य हो गया तेरी जैसी बेटी पाकर। इधर 3 बरस पूरे हुए तो माँ ने उसे अपना स्वरूप दिखाया। मामूली जिसे कन्या समझे असली रूप में गई वो आए। वस्त्र आभूषण से वो सुशोभित शोभा परिचय मैया रही बताए। चरण पकड़ कर रोया माली, क्यों मैया हमको अजमाए। मुझसे गरीब की कुटिया पे माँ, क्यों तूने ये कष्ट उठाए। बाह पकड़ के उस माली को लक्ष्मी मैया धीर बंधाए। माँ लक्ष्मी करती कल्याण, लक्ष्मी माँ का करो ध्यान। माँ बोली, हे माली बाबा, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। एक असहाय गरीब बेटी बनकर तुम धन्य हो, मैं तुम्हारी ऋणी हूँ। मेरी लीला का सम्मान हो गया, मैं अब अपने धाम जा रही हूँ। जाते जाते तुम्हें ये वरदान देती हूँ कि तुम्हारे यहाँ मेरी कृपा बनी रहेगी,
तुम्हारी नदी भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। लक्ष्मी तुम धन वैभव संपत्ति से सदा भरपूर रहोगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी हरि के पास वापस लौट गई। सदा रहे खुशहाल तुम्हारी मैया ने दे दिया वरदान। तीनों बेटियों का माली ने खुशी से कर दिया कन्यादान। माला माल हुआ वो माली माँ का मंदिर दिया बना। सुबह हो शाम करे माँ की वंदना लक्ष्मी माँ ध्यान लगाए। माँ लक्ष्मी करती कल्याण लक्ष्मी माँ का करो ध्यान। लक्ष्मी माता कष्ट मिटाए। नित नियम से ज्योत जला कर माँ के द्वारे अर्ज लगाए। धन वैभव संतान से झोली भर देती है माँ बतलाए। माँ कल्याणी माँ वरदानी लक्ष्मी माँ गान। माँ लक्ष्मी करती कल्याण लक्ष्मी माँ का करो ध्यान। लक्ष्मी माता की पूजा करने से श्री नारायण भगवान की कृपा बनी रहती है। माता धन की देवी होने के कारण धन की कमी नहीं रहने देती। आओ श्रद्धा भक्ति से माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, प्रेम से माँ का जयकारा लगाएं। बोलो लक्ष्मी माता की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माँ लक्ष्मी करती कल्याण लक्ष्मी माँ का करो ध्यान। माँ लक्ष्मी करती कल्याण लक्ष्मी माँ का करो ध्यान। माँ लक्ष्मी करती कल्याण लक्ष्मी माँ।